निज बल ए प्रबल बात है आत्मबल अवेक बिसर मत बलदेव तू नाम ही रतन है नेक। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आज आपके सामने अध्याय के नए एपिसोड में लेकर आया हूं किसान केसरी और धरती पुत्र कहे जाने वाले चौधरी बलदेव राम मिर्धा की गाथा। जो शब्द मैंने आपको पहले कहे थे वो सर छोटू राम के हैं जो उन्होंने लिखे थे चौधरी बलदेव राम मिर्धा के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मारवाड़ किसान सभा से। साल 1945, दिन 25 सितंबर, देश को आज़ादी नहीं मिली, वहीं मारवाड़ में जागीरदारी और सामंती प्रथा के खिलाफ किसान आंदोलन का बिगुल बज रहा था। मारवाड़ रियासत के इतिहास में किसान जागृति का ये महत्वपूर्ण दिन था। मरुधरा के किसान जगत ने उस दिन अपने अधिकारों और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए संकल्प ले लिया था। मारवाड़ किसान सभा अस्तित्व में आ चुकी और चमकते सितारे के तौर पर चर्चित हो चुके थे किसान केसरी, धरती पुत्र, चौधरी बलदेव राम मिर्धा। जोधपुर में विशाल किसान सभा बुलाई गई। तत्कालीन पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री और विख्यात किसान नेता सर छोटू राम को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, चौधरी बलदेव राम मिर्धा के अनुरोध पर जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह और उनके छोटे भाई महाराजा अजीत सिंह ने इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में शिरकत की। किसान सभा की खासियत यह थी कि महाराजा उम्मेद सिंह और अजीत सिंह के साथ साथ किसान नेता चौधरी बलदेव राम मिर्धा और सर छोटू राम की कुर्सियां भी लगी थी। कहा जाता है कि तकरीबन 60,000 किसान मारवाड़ के कोने कोने से इस सभा में पहुंचा। इस किसान सभा ने उस समय के किसान आंदोलन को नई दिशा दी और सफल बनाया। अब आइए आपको बताते हैं कि उस सभा में चौधरी बलदेव राम मिर्धा ने क्या कहा था। ठेठ देसी अंदाज था। किसान री जात जमीन है, जमीन ने आपरी मां मान रहे, जो सेवा करे, जो उनने अवेरे खाद दे, बीज बोले पानी दे और उपज रूपी वरदान हासिल करे वो किसान है। वो सम्मेलन जाटा, अहीर, गुजर या राजपुतोरी जातीय संकीर्ण सीमाओं से परे है। शासन और किसान रे बीच सेटलमेंट होनो चाहिए। जमीन कितनी है, इंड्री किस्म काई है, इंड्रो सिकमी कास्तकार कुण है, इंड्रो लगान काई है, उन जमीन रो सिकमी हक किसान ने इंड्रे जोतन रो होनो चाहिए। जो खेतरी रेत में रुक दीजे और रतन पैदा करे वो ही किसान है। राज में अशांति अव्यवस्था फैलावण में किसान रो मैं कतई हामी न भणू। शांतिपूर्ण तरीकों सु पूर्ण अकलमंदी और होशियारी सु आपरे हकू को वास्ते जूझनो में किसान जगत रो मोरुसी हक मानू हूँ। और वो हक है मारा जा उमेश सिंह जी जेड़ा नरेश सु मांगण रा वास्ता में भेड़ा हुआ हा। किसान सम्मेलन में इस ऐतिहासिक संबोधन चौधरी बलदेव राम मिर्धा का था और बलदेव राम मिर्धा की जो मांगे थी उन मांगों को महाराजा उम्मेद सिंह ने स्वीकार कर लिया। और वहीं दूसरी ओर किसान जगत ने अपने महाराजा को आंखों की पलकों पर बैठा लिया। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह और उनकी राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर सेटलमेंट विभाग के संस्थापन के कार्य को क्रियान्वित किया। जोधपुर महाराजा ने सम्मेलन में मारवाड़ की जागीरी भूमि का बंदोबस्त शुरू करवाने की घोषणा की, लेकिन पैमाइश के जानकार स्टाफ होने की असमर्थता जताने पर सर छोटू राम ने पंजाब से स्टाफ भेजने की हामी भरी। छोटू राम ने पंजाब जाते ही वायदे के मुताबिक भूमि बंदोबस्त के जानकार अधिकारी खान मोहम्मद अली को मैं 2 कानूनगो और 15 अमीनों के साथ 3 साल के लिए लीज पर जोधपुर भेज दिया। जोधपुर सरकार ने पंडित विशंबरनाथ को जागीर सर्वे एंड सेटलमेंट विभाग में
असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त कर दिया। मारवाड़ के राजस्व मंत्री पंडित धर्मनारायण जोशी ने जागीरी क्षेत्र में नागौर और डीडवाना परगणों में भूमि बंदोबस्त कार्य शुरू करने के आदेश प्रसारित कर दिए। मारवाड़ के किसानों में जागीरी किसानों के लिए ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि उस समय मारवाड़ के किसान ज्यादा तकलीफ में थे। इस घोषणा के अलावा किसान सम्मेलन में 40 और प्रस्ताव भी पारित किए गए। इनमें प्रमुख थे मारवाड़ में काश्तकारी कानून बनाने, गैर कानूनी लोगों को फौरन बंद करने, जागीरदारों को दिए गए जुडिशल और पुलिस अधिकार खत्म करने, देहात के गांवों में स्कूल खोलने, बैठे बेगार खत्म करने, किसान छात्रों को छात्रवृत्ति देने, सरकारी नौकरियों में किसानों को उनकी आबादी के अनुसार नौकरियां देने के साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। ये काम इतना आसान नहीं था। सेटलमेंट कार्य शुरू होते ही जागीरदारों ने और ठिकानेदारों ने विरोध शुरू कर दिया था। भूमि बंदोबस्त का कार्य ये इनके इन प्रकारेण को रुकवाना चाहते थे, किसानों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उधर सरदारपुरा स्थित बलदेव राम मिर्धा का बंगला मारवाड़ के पीड़ित किसानों की शरण स्थली बन गया था। बलदेव राम मिर्धा निर्बल के बलराम बन गए थे। उस दौर में उनके अनुयायियों में शुमार थे जयरूप माली, नानूराम घांची, बालूराम गुर्जर, धमोराम पीटल, ईश्वर सिंह कामदा, कर्नल बहादुर सिंह बागावास, पूसाराम पड़ोदा, शंकरलाल डिडेल, पुखराज चौहान, मास्टर करण सिंह, मन्नाराम कुड़ी, रामदेव रोल समेत कई किसान वर्ग के प्रमुख लोग उनके साथ थे और उनके सहयोगी बने रहे। इसके साथ ही अन्य प्रमुख लोगों में रामचंद्र मिर्धा, मूलचंद चौधरी, गुलाराम चौधरी, ईश्वर राम चौधरी, कृष्णा राम चौधरी, लुम्बाराम लोहावट, इनका भी किसान आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। बलदेव राम मिर्धा के मार्गदर्शन में उस दौर में एक युवा पीढ़ी भी आगे आ खड़ी हुई, जो आगे चलकर सियासत में चमकते सितारे के तौर पर जानी गई। इनमें प्रमुख थे नाथुराम मिर्धा, पूनम चंद विश्नोई, जालूराम प्रजापति, परसराम मदेणा, लिखमाराम रघुनाथ विश्नोई, रामदेव काला सरीखे किसान नेता। अब आपके जिज्ञासा यह भी होगी कि आखिर बलदेव राम मिर्धा का व्यक्तित्व क्या था, क्या थी उनकी कहानी और कैसा था उनका जन्म स्थान और जहां से वो जन्मे और कौन परिवार में वो जन्मे। 17 जनवरी 1889 को मंगलाराम मिर्धा के घर किसान केसरी चौधरी बलदेव राम मिर्धा का जन्म हुआ था। नागौर जिले का कुचेरा गांव उनकी जन्मस्थली था। बलदेव राम मिर्धा के पिता में राम रख मिर्धा तत्कालीन मारवाड़ के प्रभावशाली और सम्मानीय व्यक्ति थे। जोधपुर राजघराने के प्रति उनका सम्मान था। इनके पूर्वजों को मिर्धा की उपाधि से जोधपुर राजघराने ने विभूषित किया था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे हुई मिर्धा शब्द की उत्पत्ति। यह भी एक बड़ा रोचक और ऐतिहासिक किस्सा है। मोटा राजा उदय सिंह के राज्य में मिर्धाओं के पूर्वजों ने मिर्धा पदवी का मान पाया। घटनाक्रम यह है कि मारवाड़ में एक नियत क्षेत्र में रियासत के संदेश पहुंचाने के लिए कई लोग रखे जाते थे, जो डाक लाने और ले जाने का काम करते थे। आम लोगों की डाक ले जाने वालों को काशीद कहते थे, जिन्हें 20 कोस चलने पर 1 रुपया मिलता था। बहुत जरूरी कार्य के लिए शतुर सवार या यूं कहें ऊंट या सांडनी सवार, जिन्हें ओटी भी कहा जाता है, दौड़ाए जाते थे। उससे भी तेज डाक थी घोड़ों द्वारा पहुंचाई जाने वाली डाक, जो मिर्धा डाक के नाम से विख्यात हुई। हर 2 कोस के फैसले पर एक डाक चौकी मिर्धे के नियंत्रण में रहती थी। उस दौरान त्याग के लिए दोहा भी प्रसिद्ध हुआ, राड तो रोके राड ही, धर पर वारी धाक,
वदती पवन वेग सू मिर्धा वाली डाक। मिर्धा राठ गोत के ही जाट हुआ करते थे। बलदेवराव मिर्धा का राजनीतिक सफर एक अलग था, लेकिन जो उनका कैरियर था वो बड़ा अलग तरह का था। मेधावी प्रतिभा के धनी बलदेवराम चौधरी 21 नवंबर 1914 में मारवाड़ पुलिस में थानेदार के पद पर पहुंचे थे। आगे चलकर वे इंस्पेक्टर बने, पुलिस अधीक्षक बने और फिर डीआईजी के पद पर भी पहुंचे। किसी भी किसान के लिए बड़ी बात थी कि उस कम्युनिटी का व्यक्ति यहां तक पहुंचा। आज़ादी के पहले 1946 में उन्हें मारवाड़ रियासत के श्रम विभाग के संचालक के पद पर आसीन किया गया। 16 जनवरी 1947 को उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और फिर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। अब सवाल उठता है कि किसान परिवार में जन्मा बलदेव राम मिर्धा आखिर कैसे जोधपुर रियासत में इतने उच्च पद तक पहुंच गया। इसके लिए आपको वह कहानी सुननी पड़ेगी जो उनकी कार्य कुशलता को दर्शाती है। चौधरी बलदेव राम मिर्धा ने डाकुओं का उन्मूलन किया और डीआईजी पद को हासिल किया था। एक दौर ऐसा आया जब मारवाड़ दस्यु या कहें डाकुओं का घर बन गया था। मंगलदास, बलजी, भूरजी जैसे डाकुओं ने मारवाड़ में आतंक फैला रखा था। लूट, खसोट, हत्याएं आम बात थी। बड़ौदा का कुख्यात डाकू मीर खान भी इस खेमे में शामिल हो गया था। तब सितंबर 1921 में चौधरी बलदेव राम मिर्धा मारवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र भतावड़ा पुलिस थाने के थानेदार थे। बलदेव राम मिर्धा ने अपने साहस और बुद्धिमता से डाकू रणजीत सिंह, जवाहर सिंह जैसे दस्यु सरदारों का सफाया किया और मीठड़ी टकसाल केस में नाम कमाया। जोधपुर महाराजा अमृत सिंह नज़र बलदेव राम मिर्धा पर पड़ी और बाद में उनके साहस के कारण पालकी सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। अब हम जिक्र कर रहे हैं उस बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम की जब किसान सभा का कांग्रेस को साथ मिला। यूं कह सकते हैं कि किसान सभा का कांग्रेस में विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो चुका था और पहले आम चुनाव 1952 में कराने की तैयारियां चल रही थी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह पता था कि किसान सभा कांग्रेस में मिलने पर गांव में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा और ऐसा नहीं हो पाया तो किसान कम्युनिटी के बीच उनका प्रभाव नहीं के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए कांग्रेसी किसान सभा को अपने साथ लाना चाहते थे। उसी दौरान भारत सरकार ने मसूरी में केंद्रीय मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की समस्या पर विचार विमर्श के लिए राजस्थान के प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसमें किसान सभा के अध्यक्ष के नाते बलदेव राम मिर्धा भी शामिल हुए। मिर्धा ने अन्य शर्तों के साथ जागीरदारी प्रथा की समाप्ति की शर्त पर कांग्रेस में विलय पर अपनी सहमति दे दी। जनवरी 1952 में होने वाले प्रथम आम चुनाव से पहले साल 1951 के अंत में राजस्थान किसान सभा का कांग्रेस में विलय हो गया। विलय की शर्तों के अनुसार पहले आम चुनाव में जोधपुर क्षेत्र के प्रचार प्रसार के टिकट में किसान सभा के नेताओं को और प्रदेश की कांग्रेस में उन्हें राजनीतिक महत्व के पद दिए जाने पर सहमति बनी। बलदेव राम मिर्धा के कुछ सहयोगियों ने उस समय विरोध भी किया, लेकिन उसे ज़्यादा बल नहीं मिला क्योंकि बलदेव राम मिर्धा ने जो त्याग अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए किया, वो पिछले 50 साल से चल रहे किसान आंदोलन के संघर्ष का अंतिम परिणाम था। दूरदर्शी मिर्धा कोई पहचानते देर भी नहीं लगी थी कि किसान समाज के उज्जवल भविष्य के लिए जो कार्य किसान सभा करना चाहती थी उससे कहीं अधिक कार्य सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण करना चाहती है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, किस सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी,
उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोधपुर प्रवास के अवसर पर बलदेवराम मिर्धा भी उनसे मिलते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है। पंडित नेहरू ने प्रसंगवश बलदेवराम मिर्धा से पूछा, चुनाव चिन्ह का मुद्दा था। चौधरी बलदेवराम मिर्धा ने पंडित नेहरू से कहा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होगा। पंडित नेहरू ने उनसे राय जानी कि आपका मत क्या है। तब बलदेवराम मिर्धा ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक वर्ग किसान है, जो कांग्रेस के लिए भी महम है और कांग्रेस का किसान के बीच जनाधार है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह किसानों से संबंधित रखा जाए, जिससे ग्रामीण किसान इस चुनाव चिन्ह को सरलता से पहचान सके। मेरी राय है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी से हल चलाता हुआ किसान होना चाहिए। शायद मिर्धा के तर्कों से प्रभावित होकर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हल चलाते हुए किसान को छोड़कर बैलों की जोड़ी को स्वीकार कर लिया। बलदेवराम मिर्धा कुशल प्रशासक थे, किसान नेता थे, लेकिन समाज सुधारक भी थे। 22 अगस्त 1938 को तीजा दशमी के दिन बलदेवराम मिर्धा ने अपने साथियों के साथ पर्वतसर पशु मेले के अवसर पर तीजा दशमी के दिन मारवाड़ कृषक सुधारक सभा की स्थापना की थी। रतकुड़िया के बाबू गुलाराम बैंदा प्रथम अध्यक्ष, नागौर के चौधरी मूलचंद सियाग प्रथम सचिव नियुक्त हुए। कृषक सुधारक सभा के महत्वपूर्ण कार्य थे जाट और किसान वर्ग के बीच शिक्षा के अलग जगाना, ग्रामीण इलाकों में पाठशाला, कन्या पाठशाला और छात्रावास स्थापित करना, किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के काम को बढ़ाने का काम, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और ब्याज माफिया से बचाने के लिए सोसाइटी से कर्ज दिलाने जैसे कामों को हाथ में लिया गया। कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाए गए। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, मौसर, दहेज जैसी कुरीतियों को कृषक समाज से मिटाने का काम करने की पहल की गई। शराब, अफीम, अमल, गांजा, भांग, चरस जैसी नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की पहल की गई। समाज सुधारक की इमेज के कारण ही आज भी मारवाड़ के पशु मेलों का आगाज बलदेवराम मिर्धा के यशोगान से होता है। बलदेवराम मिर्धा की यह गाथा अपने आप में राजस्थान के अनुपम इतिहास को सामने लाती है। आज के इस अध्याय में बस इतना ही, फिर नई गाथा के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार, जय हिंद।